नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। यूं तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं जिनमें कोई ओसी नहीं है। ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और इसकी जरूरत क्या होती है? दरअसल किसी भी इमारत को बनाने के लिए ढेर सारे परमिशन की जरूरत होती है। मुंबई में आपको बीएमसी में फाइल सबमिट करना पड़ता है, बीएमसी सारे दस्तावेज देखती है, उसके बाद में आपको परमिशन देती है कि आप काम शुरू करें। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे जब काम शुरू करते हैं बहुत सारे एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आने पड़ते हैं, चाहे वो फायर के हो, रोड के हो, यहाँ वहाँ से। और जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, जो प्लान सबमिट किया होता है उसके मुताबिक, जब प्लान बिल्कुल जो बीएमसी ने परमिशन दिया होता है उसी प्लान के हिसाब से जब बिल्डिंग या इमारत बनकर तैयार होती है तो बीएमसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि अब वो बिल्डिंग तैयार है वहाँ पर लोग रहने के लिए, या यदि कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए, या पढ़ाई कॉलेज है तो पढ़ाने के लिए, कैंटीन है तो कैंटीन चलाने के लिए, इस तरीके से। जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, यदि वहाँ पर कोई भी काम होता है या किया जाता है तो वो गैर कानूनी है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना कोई भी बिल्डिंग ऑक्यूपाई नहीं की जा सकती। पर मुंबई में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जहां पे ओसी नहीं है, हालांकि हम उनकी बात नहीं करेंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने मुंबई यूनिवर्सिटी में एक आरटीआई फाइल किया था, जिसकी कॉपी हमारे पास है। उस आरटीआई में उन्होंने पूछा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस, जो बड़ा कैंपस है कलीना सांताक्रूज के यहाँ, वहां उस कैंपस में कितनी इमारतों को ओसी नहीं मिला है। तो तकरीबन 63 इमारत है टोटल, जिसमें से 38 इमारतों को ओसी नहीं मिली है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी ने आरटीआई में खुलासा किया है। इसके अलावा जो 25 बिल्डिंगें हैं उसमें से 24 को ओसी मिल चुकी है, और एक बिल्डिंग ऐसी है जिसको पार्ट ओसी मिली है। ये आमतौर पर, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि मुंबई में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जहां ओसी नहीं है और फिर भी लोग रह रहे हैं, पर वो न्यूज़ नहीं बनती क्योंकि वो आम इमारतें हैं, आम इंसान की इमारतें हैं। पर मुंबई यूनिवर्सिटी जो एक सरकारी संस्थान है, वहाँ पर जो कैंपस है कलीना कैंपस, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ कैंटीन चल रहे हैं, जहाँ क्वार्टर्स हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर ऑफिसेज भी हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पर जब ओसी नहीं है 38 बिल्डिंगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। जी हाँ, अनिल गलगली जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई फाइल की थी और उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला है, और उन्होंने हमें उन आरटीआई कॉपीज की भी कॉपीज दी हैं। हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के जो पीआरओ हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो हमें कोई जानकारी इस पर या कमेंट इस पर देंगे, पर अभी तक कुछ आया नहीं है। अगर हमारे पास कोई कमेंट आया तो हम आपको कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट ज़रूर बता देंगे। और आपको बता दें कि ओसी के बारे में मैंने तो पहले ही बताया कि ओसी बहुत ज़रूरी होती है, और मुंबई यूनिवर्सिटी में 38 बिल्डिंगों के ओसी नहीं हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। squarefitindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फिट इंडिया का चैनल है। हमारे चैनल और वेबसाइट के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।